फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस टेक्निकल के वीडियो चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ऑक्टेप एक्स को पीसी या लैपटॉप में जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का एक चार्ट देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पे हमें एक ग्रीन चार्ट देखने को मिल रहा है। तो अभी हमें इस चार्ट को किस तरीके से सेट करना होता है, इस वीडियो में हम इन डिटेल समझने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ऑक्टा एपेक्स को पीसी या लैपटॉप में किस तरीके से डाउनलोड करना होता है, किस तरीके से लॉगिन करना होता है, तो इसके लिए मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, इसीलिए आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप ऑक्टा एपेक्स में अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसलिए आप लिंक पर क्लिक करके ऑक्टा एपेक्स में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस चार्ट को हमें किस तरीके से सेट करना होता है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मार्केट वॉच इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और हमें क्या करना है, माउस को राइट साइड क्लिक करना है। तो यहाँ से हमें प्रॉपर्टीज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कहीं भी आप माउस को राइट साइड क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पे आपको कलर्स में जाना है। देखिए, ये कलर्स का ऑप्शन है ना, कलर्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो बैकग्राउंड का कलर अभी ब्लैक है, तो बैकग्राउंड का कलर जो भी आप देना चाहते हैं, व्हाइट या ब्लैक जो भी रखना चाहे वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे कैंडल्स का कलर और भी वॉल्यूम्स का कलर, ये सभी कलर्स आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम यहाँ से कर लेते हैं। इसको यहाँ पे हम रेड कर देंगे और यहाँ पे इसको हम नन कर देंगे। बार अप, बार अप में हम इसको गहरा वाला कलर कर देंगे इसमें। ठीक है, बार डाउन में यहाँ पे हमें करना है रेड करना है, और बुल कैंडल का जो कलर देने वाले हैं वो ग्रीन कलर देने वाले हैं। बेयर कैंडल यहाँ से रेड दे देंगे, और लाइन में हम देने वाले हैं ब्लैक। ठीक है, और यहाँ से वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं यहाँ पे नन कर दे रहा हूँ, तो आप अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आस्क लाइन का ऑप्शन है, तो कौन सा कलर दे दें आस्क लाइन में, हम ये वाला कलर दे देते हैं। इसके बाद यहाँ से स्टॉप लेबल्स में कौन सा कलर दे दें, ये कलर मैंने कर दिया है। ठीक है, कोई भी कलर आप कर सकते हैं, थोड़ा मैं इसको चेंज करना चाहूँगा, ये वाला कलर कर दिया मैंने। इसके बाद यहाँ से कमिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए, बार चार्ट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर कैंडल्स में आपको जाना है, कैंडल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सो आस्क लाइन, इसको भी सिलेक्ट करना है। सो पीरियड्स, इसको भी क्लिक कर दीजिए आप, और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। देखिए, अभी हमारे सामने कुछ इस तरीके से चार्ट नजर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जूम इन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्लस वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करिए तो ये जूम इन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जितना भी आप जूम इन करना चाहें वो जूम इन आप यहाँ पे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे आपको कौन से टाइम फ्रेम में ये कैंडल देखना है, एक कैंडल किस टाइम फ्रेम की है, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए, M1 1 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का, यानी 15 मिनट का चार्ट यहाँ से मैंने ओपन गेल कर लिया है। 15 मिनट के टाइम में कुछ इस तरीके से यहाँ से हर एक कैंडल हमें विजिबल हो पाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप कैंडल्स का जो भी टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से व्यूज में आपको जाना है और यहाँ पे मार्केट वॉच इसको अगेन ओपन कर लेंगे हम। नेक्स्ट चार्ट यहाँ से हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ से दोस्तों हम GBP USD का चार्ट ओपन करेंगे, राइट साइड क्लिक करेंगे, चार्ट विंडोज ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले की तरह ही चार्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है। अभी इस चार्ट को कैंडल स्टिक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाना होगा और अगेन वो ही वाली प्रक्रिया यहाँ पे करना होगी। इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इस चार्ट को यहाँ पे हम हटा देंगे ये। ठीक है, मैंने कैंसिल कर दिया उस विंडो को। अभी यहाँ पे ध्यान देना है, अभी हमें जाना है टेम्पलेट्स में। देखिए, ये टेम्पलेट्स को ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, सेव टेम्पलेट्स को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे इस टेम्पलेट्स को हमें सेव करना है, जो भी हम नाम देना चाहें वो यहाँ पे हम नाम दे देंगे। तो मैं यहाँ पे जो नाम दे रहा हूँ कुछ भी नाम दे देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने गुड चार्ट करके ये नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने गुड चार्ट नाम दे दिया इसको, और यहाँ से मैंने सेव कर दिया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अगेन जाना है GBPUSD में, फिर से यहाँ से हमें ओपन करना है। देखिए, चार्ट विंडोज यहाँ पे ओपन कर लिया। अब हमें जाना है दोस्तों टेम्पलेट्स में, टेम्पलेट्स में जाएंगे। देखिए, गुड चार्ट का ऑप्शन है, सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए, GBPUSD हमारा यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी चार्ट को ओपन कर लीजिए। USDJPY को अगर आप ओपन करेंगे तो देखिए, चार्ट विंडोज में जाएंगे और यहाँ पे जाने के ना होगा दोस्तों आपको टेम्पलेट्स में, और यहाँ पे देखिए गुड चार्ट के नाम से हमने एक टेम्पलेट सेव किया है।
ये देखिए यहाँ से जैसे हम क्लिक करेंगे तो यूएसडी जेपीवाई हमारा कैंडल स्टिक में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप इजीली इस चार्ट को यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस चार्ट में हमें किस तरीके से कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ से वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, फिबोनाची है, इन सभी को हम किस तरीके से हमें यहाँ से यूज करना है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको इस वीडियो से थोड़ा कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल पर हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो आज इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।